What happened back home in India about the Citizenship Amendment Act and the National Register's Constitution? We need to show to the people that even overseas we are here, and the people who are fighting against us, that's communalism. This is against Indian secularism, Indian sovereignty. And as हमको चाहिए कि सिर्फ यूनिटी बताना है, और इंडिया में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी के लिए जो कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट, हमको इसको रिजेक्ट करना है। हमारे घर के लोग वहाँ पर है, हम यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सुकून से हैं। वो लोग जो ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करेंगे, हमको हेलो एवरीबॉडी, कैन यू सी मी? सब देख रहे हैं ना मेरे को? हैदराबाद के चीते शिकार पर जीते, आवाज ऐसी होनी चाहिए कि पार्लियामेंट के हीट के एंड बच जाए। जोर से आवाज, जोर से जोश और खरोश से ऊपर आओ और ये पैगाम पहुंचा दो उन हुक्मरानों से जिन्होंने हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कुचलने की कोशिश की। मेरे साथ है नहीं है? क्या है ये एनसीआर? क्या है ये सीएए? ये सिर्फ छन्नी है जो छानना चाह रहे हैं, सेक्युलरिज्म का खात्मा करना चाह रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर के बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन को नीचे रखकर अपने सोच को, अपनी कम्युनलिज्म सोच को ऊपर रखना चाह रहे हैं। हम हरगिज जीते जी होने नहीं देंगे। बोलो क्या मेरे साथ है? अब सीएएसए के तहत जिनको वो चाहेंगे वो सिटीजनशिप दे देंगे, और जिनको नहीं चाहेंगे उन्हें बाहर कर देंगे। मल्लप्पा की खीर है, अभी दूल्हे भाई जिंदा है, पूरा मियां है, साथ में पूरी सेक्युलर सोच है हिंदुस्तान की, जिन्होंने इस आजादी के लिए अपना खून बहाया। मैं ज्यादा दूर से शुरू नहीं करना चाह रहा। आजादी कैसे मिली? 200 साल अंग्रेजों ने हमें रोंगा, रोंगा नहीं रोंगा, हमें लूटा या नहीं लूटा? लूटा। हमसे हमारे हक छीन लिए गए, नहीं छीन लिए गए? जोर से आवाज लगाओ, क्या बात से इत्तेफाक रखते हो? लेकिन हम उससे भी बाहर आए, उस बहुत से निकले हम। हमने अपनी लड़ाई लड़ी और ईमानदारी से लड़ी, और हमने आजादी हासिल की। आजादी हासिल करने के बाद क्या हुआ? क्या हुआ मेरे भाई? देश की तरक्की होने के बजाय देश पीछे क्यों जा रहा है? जीडीपी 4% से नीचे आ गई क्यों? मोदी की वजह। और 15 लाख का है मेरे मोदी जी, आप लोग जो वादे किए वो वादे किधर है? और मैं अमित शाह से भी ये कहना चाह रहा हूँ, अरे जरा सोचिए, आप आजादी के बाद के 1970 के पहले के डॉक्यूमेंट किससे मांग रहे हैं? किससे? अरे पहले अपने दफ्तरात को सही करो, ऑफिस को सही करो, अपने रिकॉर्ड्स को तो सही करो। हमारे पास आजादी के बाद से करप्शन हाई लेवल पर चला गया, अमीर अमीर बनता गया, गरीब गरीब बनते गए। लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमान, हिंदुस्तान के हिंदू, हिंदुस्तान के सिख, ईसाई, जितने भी हिंदुस्तानी हैं, सारों ने अपनी कोशिश से फिर इस मुल्क को ठहरा किया। क्या हम एनआरआईज अपने घर बार छोड़ के नहीं आए यहाँ पर? क्या अमेरिका नहीं गए लोग? क्या सऊदी अरब नहीं गए? हर जगह गए अपने घरों को छोड़कर।
कई लोगों ने अपनी ऐसी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, लेकिन यहाँ पर हम मेहनत किए, मशक्कत किए और अपने हिंदुस्तान को पैसा बेच के वहां की इकोनॉमी को बढ़ाया। याद दिला दो, 1917 में चबूतरे थे नहीं थे, ईंट के मकान थे, साइकिलों पे सवारी क्या करते थे। Dear brothers and sisters, we came here, everyone, to protest against the anti-discrimination which happens against the minorities, especially for Muslims. Before I begin, I would like to thank KMC Police for allowing us to organize this assembly. Thank you, Thalia. I would like to personally thank Inspector Linda, David McCloskey, and also John Cottrell, just who has given approval for the application to assemble here. Thank you. And all. Firstly, I would thank to everyone for being a part of this protest. As you all know that we all belongs to India, and India we got our roots from India, and India is our motherland. India is a democratic country, and no one can divide on the basis of religion for our India. मैं जामिया की स्टूडेंट थी और मेरे जो फ्रेंड्स थे वहाँ पे, उन्होंने जो मुझे सिचुएशन बताई वाकई में मुझे सुन के इतना ज्यादा अफसोस है, इतना वो है, मुझे इनकरेज करा कि मैं जाके हर उसको यहाँ पे डेमोंस्ट्रेशन को ज्वाइन करूँ और उन लोगों की हिम्मत बढ़ाऊँ। आई एम शमाइला, आई डिड माय मास कम्युनिकेशन फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड टुडे आई एम हेयर। व्हाई आई एम हेयर? आई एम हेयर बिकॉज आई एम एंग्री। आई एम एंग्री बिकॉज माय नेशन इज ब्लीडिंग। व्हाई माय नेशन इज ब्लीडिंग? My nation is bleeding because of the madness of two people. Any law that discriminates between people, any law that pushes one religion, that keeps one religion above another, in itself is discriminatory. It's anti-India. And unfortunately, the head of the largest democracy in the world is anti-India. It's so unconstitutional. This law is so unconstitutional. In pe halla bolo, CAA pe halla bol. Halla bol, NRC pe halla bol. Halla bol, halla bol. Sangwad pe halla bol. Halla bol, halla bol. Manuwad pe halla bol. Halla bol, halla bol. Bajpayee pe halla bol. Halla bol, halla bol. Kachewad pe halla bol. Halla bol, halla bol. BJP pe. Long live Indian democracy. They've become Modia, and there's no place for truth anymore. So we have to use our privilege staying here away from all of that violence. We have to raise our voice to show attention and awareness to what's happening. से उठ जाना है, अपने बेडरूम से हट जाना है, और सबसे बड़ा काम हमने करना है कि हमने आपस में मुत्तहिद होना है। ये बहुत जरूरी है, इस वक्त बहुत लाजमी है। सारी स्टेट और सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं मुतहिद होना है, बल्कि एनआरसी बिल कोसम वैएसआर गारु मी कोडुकु वैएस जगन मोहन रेड्डी गारु एमुन्नारनि ओके अंड बाबू गारु मीरु एमुन्नारु ముస్లింస్ కోసం ఏమైనా చేస్తారు? వి రిగ్రెట్ అండ్ వి రిజెక్ట్ దిస్ CAA అండ్ కండమ్ పోలీస్ బ్రూటాలిటీ. ఇండియా ఇస్ బర్నింగ్, డెమోక్రసీ. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे ऑर्गेनाइजर्स का, आयमा टाइका हसन को अपनी इंडिया की पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को खत्म करने की पूरी इन लोगों ने साजिश कर रखी है, तो अभी हम चाहे कि अभी इससे आगे बढ़े जाकर के। ये जो हसन कुरैशी साहब, सिराज भाई, सब जने जो बोले हैं उसे मैं थोड़ा एडिशनल और ऐड करता हूँ। अपन क्या कर सकते हैं नॉर्मल सिटीजन के तरह? यहाँ पे
अपना आवाज जाके जो टोनी बर्ग है या जिहाद डीप है, हसन कुरैशी साहब हमारी आवाज पूरी जो है ना लेके जाके पार्लियामेंट में रखेंगे, प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाएंगे, ये इंटरनेशनल लेवल पे होगा। इस वजह से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये आवाज जो है हम यूएन और ह्यूमन राइट्स तक लेके जाएंगे इंशाल्लाह। डरना मौत से क्या डरना, उसे तो आना है, दो दिन की है जिंदगी, हमें अपना फर्ज निभाना है। लपे आती